फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल से फूडी डे। आई एम राजी। विंटर सीजन में ग्रीन पीस बहुत अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं और आज मैं आपके लिए ग्रीन पीस से बना हुआ बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक टू मेक रेसिपी लाई हूँ, जिसका नाम है ग्रीन पीस पुलाव या मटर पुलाव या वटाना भात। आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हैं। ग्रीन पीस पुलाव बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसको मैंने कुकर में बनाया है तो इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स टू मेक इट। तो अगर आपके घर पे कोई अचानक गेस्ट आ गए हैं और आपके पास टाइम कम है तो आप क्विकली ये रेसिपी बना के उनको खिला सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आता है। इसको आप किसी भी चटनी के साथ या रायते के साथ या सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। जिसके साथ भी सर्व करें ये उतना ही टेस्टी लगता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और याद से बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए देखिए रेसिपी। Thank you.
कैसा लगा मेरा रेसिपी? था ना बहुत ही सिंपल एंड इजी टू मेक? मैं आपसे थोड़े टिप शेयर करना चाहूंगी। जब आप रायता बनाएंगे तो आप सॉल्ट मत ऐड कीजिए, आप पहले रायता बना के उसको फ्रिज में रख दीजिए और सर्व करने के पहले सॉल्ट ऐड करके सर्व कीजिए। क्योंकि अगर हम सॉल्ट पहले से ही डाल देंगे रायते में तो प्याज और टमाटर का जो पानी है वो रायते में उतर आएगा और रायता बहुत ही पतला हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि सॉल्ट आप सर्व करने के पहले रायते में ऐड करके सर्व कीजिए। और एक बात है, जब हम क्योंकि हम ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं पुलाव, तो सिर्फ एक विजल काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर विजल देंगे तो राइस बहुत ही चिपचिपा सॉगी हो जाएगा। आज की रेसिपी में मैंने जो रायता बनाया है उसको मैंने तड़का दिया है विथ करी लीव्स, रेड चिल्ली एंड मस्टर्ड सीड्स। अगर आप चाहे तो आप तड़के वाला रायता बना सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खाओ पियो दिल से एंड कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माय ग्रीन पीस पुलाव विथ तड़के वाला रायता।